सपोर्ट ने दिया विपक्षी गठबंधन इंडिया को अल्टीमेटम, इंडिया के इस्तेमाल से क्यों ना रोका जाए, बीजेपी को मिल गया बड़ा मुद्दा। विपक्षी गठबंधन की एकता और इंडिया गठबंधन नाम रखने से घबरा गई थी सरकार, चलने लगी थी इंडिया और भारत की डिबेट। प्रधानमंत्री इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से कर रहे थे गठबंधन की तुलना, कॉलोनियल नाम बता इंडिया नाम हटाने तक की होने लगी थी बात। G20 सम्मेलन में कहीं नहीं दिखा था इंडिया लिखा, सभी जगह लिखे गए थे भारत। संविधान संशोधन कर इंडिया नाम हटाने की होने लगी थी बात। उसी वक्त हाईकोर्ट में PIL दायर कर एक शख्स ने कर दी थी गठबंधन के इंडिया नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग। अगस्त से चले आ रहे मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट हो गई सख्त। हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों और केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। अल्टीमेटम आखिर क्या है, कैसे यह भाजपा को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, कैसे विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सेटबैक है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? अगस्त 2023 में NDA के प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। तब से ही इंडिया नाम को लेकर विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, वहीं इसको लेकर भारत और इंडिया के नाम पर भी बहस छिड़ गई थी। संविधान संशोधन तक की बात चलने लगी थी। उसी वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था विपक्षी गठबंधन इंडिया का इस्तेमाल कर हमारे देश के नाम का गलत फायदा उठा रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस, TMC और DMK समेत विपक्षी पार्टियों से अपना जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हाईकोर्ट ने क्या अल्टीमेटम दिया? दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को विपक्षी राजनीतिक गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र विपक्षी दलों को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा है वह 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई निपटारा करने की कोशिश करेगी। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी विपक्षी पार्टियों की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। भाजपा भी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कर चुकी है आलोचना, लेकिन विपक्षी पार्टियां खेल रही थी इमोशनल कार्ड। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी ने भाजपा को और हमला करने का मौका दे दिया। इस पर अब जमकर राजनीति होनी तय है। याचिका में क्या कहा गया था? जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था विपक्षी दल अपने स्वार्थी कार्य के लिए इंडिया नाम का उपयोग कर रही है। पार्टियों ने केवल 2024 में लोकसभा चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। यह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष वोटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 की धारा 2 और 3 के तहत इंडिया नाम का उपयोग निषिद्ध है। इसके बाद अब जमकर राजनीति होनी तय है। देखना होगा विपक्षी पार्टियां कैसे इस मसले को काउंटर करती हैं। भाजपा चुनाव से ठीक पहले इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। आपको क्या लगता है, क्या यह एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है? क्या बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्षी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है?